बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता है कि आज ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, उन्होंने LRH में जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 144 का निफाज किया हुआ था, LRH के प्रीमिसेस में दाखिले पे हर तरह की पाबंदी थी और इन्होंने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नुमाइंदों ने, पुलिस के ऑफिसर्स ने उनके साथ बातचीत की, लेकिन जब वो नाकाम हो गई और उन्होंने फोर्सफुली LRH के प्रेमिसेज में घुसने की कोशिश की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और वो OPD और इमरजेंसी ऑपरेशंस बंद करने की कोशिश कर रहे थे, तो पुलिस को मजबूरन उनके खिलाफ लाठी चार्ज करना पड़ा, जिसके लिए जो आप हम फुटेजेस भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। और इस जो कार्रवाई में हमारे पुलिस के 8 जवान जख्मी हुए हैं, एक हमारा DSP जख्मी हुआ है और प्रेस के हमारे एक लेडी रिपोर्टर थी वो जख्मी हुई है, इसके अलावा एक मेल रिपोर्टर प्रेस का जख्मी हुआ है। इस आखिर में फिर पुलिस ने पकड़ दकड़ शुरू की और तकरीबन 15 के करीब हमने GHA के कारकुनान को अरेस्ट किया है। हम वीडियो फुटेजेस का जायजा ले रहे हैं और उनकी निशानदेही कर रहे हैं और